वेलकम गाइज, आर यू एच एस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सेकंड राउंड काउंसलिंग, आर यू एच एस की जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है उसके बारे में। हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस, कौन कौन पार्टिसिपेट ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, पूरा अपडेट है यहाँ पर हम देने वाले। तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। देखिए, कंडीशन पास्ट, जिनको कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, क्या वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकता है और उनको क्या करना होगा। जिनको बिल्कुल भी कॉलेज नहीं मिला है उनको क्या करना होगा, ठीक है। और जिन्होंने बिल्कुल फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया है, सेकंड राउंड के लिए क्या वो एलिजिबल होंगे, उसकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या सेकंड राउंड के लिए फीस अलग से फीस देनी होगी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सेकंड राउंड के लिए क्या कोई कागजी कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी, बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट के सेकंड राउंड के लिए, सभी बातें हम करने वाले हैं। अगर जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका है, सेकंड राउंड में कोई अदर कॉलेज मिलता है बट वो पसंद नहीं आता, तो क्या पहले वाली सेफ रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन से स्टूडेंट के, तो इनको क्लियर कर लेते वन बाय वन करके। देखिए, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका है और वो चाहते हैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट लेना, क्योंकि उनको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है वो उसको पसंद नहीं है, ठीक है, वो उसमें कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप कोई दूसरा कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट लेना होगा। बट डाउट तो यहाँ पर है कि सर यस और नो का ऑप्शन नहीं मिल रहा, मैं तो यस और नो का ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट लेने के लिए आपको यस का ऑप्शन करना होगा, तभी तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे। सो गाइज, अभी नहीं मिलेगा ये यस और नो का ऑप्शन आपको, जैसे ही सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर लिंक आएगा, अभी तो यहाँ पर देख लेते आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी तो नहीं आया, कब आएगा वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। सो गाइज, सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा आपका, 2 से 3 मार्च, ठीक है, 2 से 3 मार्च को सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिंक अवेलेबल हो जाएगा। अभी आप चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, चेक ही कर लेते, चलो देख पा रहे यहाँ पर नहीं है, वो पहले वाला ही है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फार्म इसका देख लेते जी, ये लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझना है अपन को, क्योंकि कैरियर फ्यूचर का मामला है आपका, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट राउंड का ही ऑप्शन आ रहा है अभी तो, क्योंकि 1 मार्च है आज, तो आ तो आएगा नहीं, 2 या 3 को देख लेना आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड ख़त्म होने जा रहा है 1 मार्च आज, ठीक है, तो इसके बाद ही दूसरा आएगा सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में बहुत सारी सीटें खाली होती है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है अच्छे खासे नंबरिंग है आपके तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको कॉलेज अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, जिनको कॉलेज मिल चुका है वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब लिंक आएगा तो आपको यस करना होगा, तभी आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हो यस का ऑप्शन करके, ठीक है। अब बहुत सारे पूछ रहे सर कॉलेज में आएगा क्या ये इसका ऑप्शन, नहीं अगर वहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं कॉलेज की तरफ वालों से, बट यहाँ पर तो आएगा आएगा। सो गाइज, आपको ये करना होगा, क्योंकि जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई उनको ज्वाइनिंग लेना कंपलसरी है, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं लोगे ना तो फिर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, ध्यान रख लो ये बात। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुकी है, आपने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो आप सेकंड में भी पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज एलॉट हुई है उसमें जॉइनिंग ले ली तो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, क्लियर। ये तो हो गए उनके बाद जिनको कॉलेज मिल चुकी है, अब उनका क्या होगा जिनको कॉलेज ही नहीं मिली, ना ही गवर्नमेंट और ना ही प्राइवेट, ना ही गवर्नमेंट और ना ही प्राइवेट उनको मिली है, तो ऐसे में अब हम क्या करें, तो ऐसे में उनको कुछ नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सेकेंड राउंड में चले जाएंगे तो क्या हमें भी यस और नो का करना होगा क्या, अगर ऑप्शन मिलता है तो करना होगा, और देखो क्या गाइडलाइन आती है, बिल्कुल अगर गाइडलाइन अच्छी आ गई, जैसे कि यूँ आ जाए मान लो कि जैसे आपको कॉलेज ऐड करने का ऑफर आ जाए, ठीक है, ऑप्शन आ जाए तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पिछले साल तो नहीं आया था बट आ जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि 2017-18 में तो ऐसा ऑप्शन था कि आप कॉलेज ऐड कर सकते हो सेकेंड काउंसलिंग में। अब क्या रहता है वो तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, और वीडियो आपको जरूर मिलेगा क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो क्लियर। सो गाइस, जिनको कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में तो उनको सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अगली बात,
जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया, फर्स्ट राउंड में ठीक है भूल गए उन्होंने नहीं लिया, तो क्या उस सेकंड काउंसलिंग में ले सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा तो अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है कि जिन्होंने फर्स्ट में नहीं लिया तो क्या उस सेकंड में ले सकता है, वो एलिजिबल नहीं है सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट लेना कंपलसरी है सेकंड राउंड के लिए, तभी आप यहाँ पर ले पाओगे। अब बात आती है फीस की, क्या अलग से कोई फीस देनी होगी सेकेंड राउंड के लिए? सो गाइज फर्स्ट राउंड में आपका हो चुका है, फीस लग चुकी है ठीक है, तो ऐसे में क्या सेकंड राउंड के लिए भी अलग से देनी होगी? जी बिल्कुल नहीं। देखो आप खुद कर सकते हो सेकंड राउंड के लिए, यस नो ही तो करना है आपको, और क्या करना है। यूज़र नेम आपके पास है, पासवर्ड आपके पास है, तो आप खुद लॉगिन करके यस का ऑप्शन क्लिक कर देना तो आप सेकंड काउंसलिंग में चले जाओगे, कहाँ दिक्कत वाली बात है। सो गाइज सेकंड राउंड के लिए आपको कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, आपको ओनली यस करना है ठीक है। अगर जिनको फर्स्ट राउंड में मिली कॉलेज से सहमत है तो नो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि हाँ हम तो इसी में कुछ है, जैसे किसी को SMS मिल गया हम तो इसमें कुछ है तो वो तो नो ही करेंगे ना ठीक है। जिनको अपने एरिया का मिल गया, जैसे कोटा हो गया, अलवर हो गया, अजमेर हो गया और वहाँ के मूल निवासी है तो वो भी नो ही करेंगे ठीक है, तो ऐसा रहता है इसमें। और जिनको कहीं दूर मिल गया बट वो वहाँ जाना नहीं चाहते तो वो यस करके सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, क्लियर। अब बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे सर फीस बहुत लग रही है ठीक है, तो वो किन किन स्टूडेंटों को वापस मिलेगी? जी बिल्कुल वापस मिलेगी, बट वो किन किन को मिलेगी तो हमने वीडियो अभी प्रिपेयर हो रहा है और वो आपको MKS इंस्टीट्यूट चैनल पर मिल जाएगा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे MKS इंस्टीट्यूट चैनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये दूसरा चैनल है, इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल जाएगा आज दिन में या फिर शाम को, बहुत जल्द हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे दूसरे चैनल पे, किन किन को फीस वापस मिलेगी और पूरी मिलेगी ठीक है, तो उसका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो मनी का मामला है ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। और हाँ वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है। सो गाइज 2-3 मार्च को तैयार रहना, लिंक आ जाएगा यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए, और जो जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है सेकंड राउंड के लिए वहाँ पर ऑप्शन आएगा तो उसके लिए तैयार रहना। वीडियो हम बना देंगे कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस रहेगी, कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दे रखा है कि फर्स्ट राउंड अलॉट कॉलेज ही सी मस्ट चेंज द विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टू नो ठीक है, दिस ऑप्शन विल बी इनेबल ओनली आफ्टर सक्सेसफुली रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप सक्सेसफुली रिपोर्टिंग या फिर ज्वाइनिंग कर लोगे ना अलॉट कॉलेज को, तभी ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इफ द कैंडिडेट गिव विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड यस एंड गेट अलॉट ए डिफरेंट सीट सेकेंड राउंड, सब कुछ आप खुद पढ़ सकते हो गाइस, देखो वीडियो को पॉज कर लो, ये आपके लिए अच्छी खबर है ठीक है, तो ये आपको करना होता है, इन्होंने अपनी गाइडलाइन में पहले बोल रखा है, तो इतना सा तो आप कर ही सकते हो, आप खुद पढ़े लिखे हो ठीक है, ये स्पष्ट इन्होंने लिख रखा है। और भी चेक कर लेते हैं यहाँ से, लाइक बनता है गाइज और सेकंड राउंड में मिल जाएगा जिनके अच्छे खासे नंबरिंग है, पीस लगेगी या नहीं सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ये देखो रिपोर्ट एंड देखो सक्सेसफुली, यानी कि आपको पहले ज्वाइनिंग लेनी होगी अगर जो कॉलेज मिला है ना उनको, और जिनको नहीं मिला है कोई दिक्कत ही नहीं उनको, तो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर दे रखे हैं ठीक है, ये देखिए क्लियर। और आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ही लिए होंगे, हमने वीडियो बना ही दिया था इसके लिए। सो गाइज आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सेकंड राउंड के लिए, जिन्होंने फर्स्ट में मिल चुका है उसको ज्वाइनिंग ले लेना, उसके बाद आपको यस और नो का ऑप्शन मिल जाएगा, जिनको कॉलेज नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं लिया है वो उसके योग्य नहीं है, सेकेंड राउंड में आपकी कोई भी फीस लगने वाली नहीं है क्योंकि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, आप उसके थ्रू लॉगिन होकर खुद यस कर सकते हो ठीक है, कोई गलती मत करना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट लापरवाही में यस नो का ऑप्शन में कंफ्यूज होकर नो कर देते हैं कभी, तो फिर बोलते हैं कि हम तो लेना चाहते थे पार्टिसिपेट बट नो हो गया लापरवाही से, तो ये लापरवाही मत करना, 10 बार सोच लेना पहले ठीक है, क्योंकि आपके कैरियर का मामला, क्योंकि बहुत बड़ा ये हो जाता है फिर इश्यू। तो सेकेंड राउंड के लिए बहुत जल्द आपके लिए लिंक आने वाला है,
डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए आपको, तो बस वहाँ पर यस और नो करना है, ठीक है। और हाँ, अगर इकोनॉमिकली की बात करें, आर्थिक स्थिति की, कि सर हमको तो पीस वापस कैसे मिलेगी, तो उसके लिए वीडियो आने वाला है MKS इंस्टीट्यूट चैनल पे। किन किन को मिलेगी वीडियो आ जाएगा, इस चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइज, सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाइए 2-3 मार्च को।